अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। सॉरी व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही डिलीशियस से चिकन पीसेस। तो चलिए अपनी रेसिपी को जो है टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट कर लेते हैं जी। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी चिकन पीसेस, इनको कर लगा लेना है जी। हम लोगों ने कट ही देख सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से जो है इस तरह से हमने कट्स लगा लेने हैं ऐसी। सो काफ़ी दिनों से जो है चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी तो इस वजह से वीडियोज़ तो पड़ी थी बट मैं अपलोड नहीं कर सकी। यहाँ पर जो है इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है जी यहाँ पर रोस्ट मसाला जो होता है वो, और अब ऐड करेंगे जी रोस्ट मसाला। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे जी हल्दी, क्योंकि यहाँ पे हम रोस्ट मसाले के अंदर क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं तो हमें ऐसा सच और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ हल्दी ऐड की है। फिर कितना आप लोग यहाँ पे हमने हल्दी भी ऐड कर दी है जी। उसके बाद ऐड करेंगे जी यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट और अच्छे तरीके से जो है कर लेंगे जी मसाले को मैरिनेट अपने चिकन पीसेस के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, यहाँ पे एक चम्मच के करीब हमने ऑयल ऐड कर देना है और अब अच्छे तरीके से कर लेंगे जी चिकन पीसेस को मैरिनेट। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा जी, ताकि आपको मेरे हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है हमारा जो है चिकन अच्छे तरीके से चिकन पीसेस जो हैं वो मैरिनेट हो चुके हैं। उसके बाद इनको आधे घंटे के लिए रख देंगे जी। उसके बाद हम इनको दे देंगे जी स्टीम। एक पतीला लिया है मैंने, इसके अंदर कोई स्टैंड कुछ भी ऐसा नहीं रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको इसके अंदर जो है पतीले के अंदर असेंबल कर देना है पीसीस को, चिकन पीसीस को। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं जी और कर लेना है जी इनको हम लोगों ने स्टीम। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो हमने इनको कवर कर दिया है जी और स्टीम दे देंगे जी। आँच हमने जो है यहाँ पे खोल दिए जी आँच पीसी के लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है मैंने फुल खोली थी लेकिन हमने हल्की आँच पर इनको स्टीम देना है। उसके बाद जी यहाँ पर ये स्टीम हो चुके हैं। स्टीम होने के बाद जी हम लोगों ने कर लेना है जी इनको डीप फ्राई। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हो रहे हैं जी हमारे पीसेस डीप फ्राई अच्छे तरीके से जो है हम लोगों ने कर लेना है जी डीप फ्राई। डीप फ्राई करने से बहुत अच्छा जो है इनका टेक्सचर आता है, बहुत ही अच्छा से कोटिंग हो जाएगी इनके ऊपर। हाँ ये देख सकते हैं आप लोग, उसके बाद जी हमारे डिलीशियस से जी चिकन पीसेस रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।